नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौतम यादव है। मैं आईक्यू हॉस्पिटल में एज कैटरेक्ट एंड स्क्विंट स्पेशलिस्ट कार्यरत हूं और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोतियाबिंद क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं। मोतियाबिंद आँख के अंदर में जो पारदर्शी लेंस होता है उसकी सफ़ेदी को कहते हैं। हमारी आँख के अंदर में एक क्रिस्टलाइन लेंस या पारदर्शी लेंस होता है जो उम्र के साथ में धीरे धीरे धुंधला होता जाता है, सफ़ेद हो जाता है, जिसकी वजह से आँख के अंदर में जो प्रकाश की किरणें हैं वो सही से फोकस नहीं होती हैं और मरीज को मोतियाबिंद की वजह से धुंधला दिखने लग जाता है। शुरुआत में मोतियाबिंद बार बार चश्मे के नंबर बदलने के रूप में दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है मरीज को दिखना कम हो जाता है और एक स्टेज पर बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, तो इसको मोतियाबिंद या कैटरेक्ट बोलते हैं। मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेशन के माध्यम से ही होता है, इसका कोई और अलग से इलाज नहीं होता है। और मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है, जब मोतियाबिंद डिटेक्ट हो तभी करवाना चाहिए। आम जनता में ये धारणा होती है कि जब मोतियाबिंद पक जाए तब उसका ऑपरेशन कराया जाए, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। जब मोतियाबिंद पक जाता है तो उस कंडीशन में ऑपरेशन करने में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आज के समय जो ऑपरेशन किया जाता है वो फैको इमल्सिफिकेशन या लेज़र के माध्यम से किया जाता है। मोतियाबिंद होता है उसको तोड़ा जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़ों को पिघलाकर निकाला जाता है, तो जितना ज़्यादा मोतियाबिंद पका होता है उतना ही आँख की पुतली में सूजन आने और दूसरी तरीके की सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, मोतियाबिंद पकने तक पेशेंट को धुंधलापन दिखता रहता है, उस आँख से उसका पूरा विजन नहीं होता है, जिसकी वजह से उसे डेली रूटीन के काम के अंदर निरंतर प्रॉब्लम आती रहती है। तीसरा जो कारण है कि जब हमको मोतियाबिंद डिटेक्ट हो अर्ली कराना चाहिए, वो ये कि जब मोतियाबिंद पक जाता है तो कभी कभी किसी केस के अंदर काला मोतिया बनने के चांसेस हो जाते हैं। काला मोतिया यानी कि ग्लोकोमा, आँख का प्रेशर बढ़ने की स्थिति को बोलते हैं। जब मोतियाबिंद पक जाता है उसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और इस कंडीशन में मरीज की आँख में दर्द होना, आँख में सूजन, लाली आना और आँख की जो रोशनी है उसका परमानेंटली कम हो जाना, ये कंडीशन बन जाती है। तो ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए हमको चाहिए कि जब भी मोतियाबिंद डिटेक्ट हो उसको ज़्यादा अननेसेसरी डिले ना करें और तुरंत ही उसका ऑपरेशन करवाएं। मोतियाबिंद संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।